हेलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट जो थ्रेड स्क्रू है उसके बारे में बात की थी हमने, राइट। तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पता है कि द वेरियस एलिमेंट of screw thread are as shown in the figure to designated right to designate different part of the screw thread the following terms are commonly used hai na to kaun se kaun si matlab terms jo hai wo use hoti hai to first of all bataya hai ki major diameter right aur dusra rehta hai minor diameter hai na बाहर का डायमीटर और अंदर का डायमीटर ऐसे हम बोल सकते हैं राइट। सो मेजर डायमीटर में बताया कि इट इज़ द डायमीटर ऑफ एन इमेजनरी कोएक्सियल सिलेंडर, इट इज़ द डायमीटर ऑफ एन इमेजनरी कोएक्सियल सिलेंडर विच वुड टच द क्रेस्ट है ना, विच वुड टच द क्रेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड और रूट्स ऑफ एन इंटरनल थ्रेड है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेड और रूट्स ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, वी कैन से दैट राइट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल डायमीटर, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर, वी कैन से दैट राइट। एक्सटर्नल डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर और फुल डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो मेजर डायमीटर की बात हो रही है तो आउटसाइड वाला ही आएगा राइट है ना, और एक्सटर्नल डायमीटर भी बोल सकते हैं और फुल डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड वी कैन से दैट राइट। देन माइनर डायमीटर के बारे में बात की, तो माइनर डायमीटर में क्या बताया है उसने कि इट इज़ द डायामीटर ऑफ एन इमेजनरी कोएक्सियल सिलेंडर। सेम ही सेंटेंस तो लिखना है ना, उसमें मेजर में भी ये लिखा था, ये इसमें भी लिखा है कि इट इज़ द डायामीटर ऑफ एन इमेजनरी कोएक्सियल सिलेंडर विच वुड टच द रूट्स है ना। देखो ये जो था मेजर में उसको क्रैश को टच कर रहा था राइट, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है वो रूट को टच कर रहा है राइट। सो रूट्स ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड और क्रेस्ट ऑफ एन इंटरनल, उसमें मतलब इंटरनल ये था रूट तो इसमें ये हो गया क्रेस्ट राइट, तो एक दूसरे के मतलब अपोजिट है ऐसा हम बोल सकते हैं राइट। सो क्रेस्ट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड वी कैन से दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूट और कोर डायमीटर, उसको हम बोल सकते हैं ना रूट और कोर डायमीटर, वी कैन से दैट राइट। देन थर्ड दिया गया कि इफेक्टिव और पिच डायमीटर, तो इफेक्टिव और पिच डायमीटर में बताया कि इट इज़ एन इमेजनरी डायमीटर, इट इज़ एन इमेजनरी डायमीटर इन बिटवीन द मेजर एंड माइनर इट इज़ एन इमेजनरी डायमीटर इन बिटवीन द मेजर एंड माइनर डायमीटर्स एंड इज इक्वल टू द मेजर डायमीटर लेस देन एन अमाउंट इक्वल टू द सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड है ना, जितना मतलब इसका जो है ना ये जो मतलब रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं क्रेस्ट ना, ये जो है चीज़ है ना तो उसको हम क्या क्रेस्ट बोलते हैं, और ये हमारा हो गया फ्लैंक, और मतलब ये हाइट ऑफ डेप्थ जो अंदर के साइड रहता है उसको हम रूट बोलते हैं राइट। तो थ्रेड एंगल भी हम ऐसे मेज़र कर पाते हैं है ना, ये क्रेस्ट हो गया, ये फ्लैंक हो गया, देन इफेक्टिव डायमीटर जो है इतना है ना, जो पिच सर्कल हम बोलते थे ना वैसे ही हो सकता है ना यहाँ पे भी, फिर मेजर डायमीटर के लिए इफेक्टिव डायमीटर, मेजर डायमीटर डायमीटर राइट, माइनर डायमीटर कंसिडर करना है तो ये वाला हम ले सकते हैं है ना, ये पोजीशन से मतलब ये पोजीशन वो माइनर हो गया
राइट। तो फ्रॉम फिगर वी कैन से कि इफेक्टिव और पिच डायमीटर में इट इज़ एन इमेजनरी डायमीटर इन बिटवीन द मेजर एंड माइनर डायमीटर्स एंड इज इक्वल टू द मेजर डायमीटर लेस देन एन अमाउंट इक्वल टू द सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड, राइट। दे हो गया इफेक्टिव और पिच डायमीटर। देन बात करेंगे हम एक्सेस ऑफ स्क्रू के बारे में। तो एक्सेस ऑफ स्क्रू के बारे में बताया गया है कि इट इज़ द लॉन्जिट्यूडिनल सेंट्रल लाइन थ्रू द स्क्रू, है ना। सेंट्रल लाइन जो दिया गया है ना उसको हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ स्क्रू, है ना। ये सेंट्रल लाइन जा रहा है ना, राइट। देन क्रैश के बारे में बताया है। क्रैश के बारे में क्या बताया है कि इट इज़ द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ थ्रेड, है ना। इट इज़ अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ थ्रेड लाइक टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू स्लाइड, टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, राइट। टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड ऑफ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, वी कैन से दैट, राइट। देन रूट जो है, तो रूट में क्या बताया कि इट इज द बॉटम ऑफ द ग्रू, इट इज द बॉटम ऑफ द ग्रू बिटवीन द साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट थ्रेड्स, बिटवीन द साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट थ्रेड्स, राइट। तो वो हो गया हमारा रूट, है ना। तो फिगर में देखा ना, तो फिगर थ्रू भी हमें पता चल सकता है कि भाई क्रैश किसे बोल रहे हैं और रूट किसे बोल रहे हैं, राइट। जो इंटरनल साइड में रहेगा उसको हम रूट बोलते हैं और एक्सटर्नल जो रहेगा उसको हम क्रैश बोलते हैं, राइट। तो वो हमने देखा है फिगर में। देन पिच के बारे में भी देखा कि पिच मतलब इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द स्क्रू थ्रेड एक्सिस बिटवीन द corresponding points on two adjacent threads in the same axial plane, है ना। same axial plane भी हम ले सकते हैं, right? कि corresponding points on two adjacent thread in the same axial plane, we can say that. then lead के बारे में देखते हैं। तो lead में क्या दिया गया है कि it is the distance through which, it is the distance through which a screw advance, and a screw advances axially in one complete revolution, है ना। एक मतलब complete ऐसा, जैसे कि ये है तो एक complete revolution हो जाए ना, तो उसको हम बोलेंगे मतलब lead, है ना। कि it is the distance through which a screw advances axially in one complete revolution, right? देन डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड में बताया गया है कि भाई इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड रूट ऑफ द थ्रेड मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द थ्रेड, है ना, राइट। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट, है ना, दोनों दिया गया, ऑफ द थ्रेड मेजर्ड परपेंडिकुलर, है ना, थ्रेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द थ्रेड, वी कैन से दैट, राइट। देन थ्रेड एंगल और इंक्लूड एंगल। तो थ्रेड एंगल और इंक्लूड एंगल में बताया गया है कि भाई इट इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स, इट इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड मेजर्ड इन एन एक्सियल प्लेन, राइट, है ना। इट इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लैंक। देखो ये फिगर ही आपको ध्यान में रखना है, है ना, है ना। मतलब ये किसके लिए है, तो ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए है और ये हमारे पास इंटरनल थ्रेड के लिए, समझ में आ रहा है ना।
ये दोनों फिगर अलग अलग दिखाए गए ना, तो ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ, ये इंटरनल अंदर की तरफ, राइट। सो थ्रेड एंगल और इंक्लूड एंगल में होता है कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड मेजर्ड इन एन एक्सियल प्लेन। देन फ्लैंक एंगल में बताया गया कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंडिविजुअल फ्लैंक, फ्लैंक एंगल में बताया गया कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंडिविजुअल फ्लैंक एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ थ्रेड, सो मेजर्ड इन एन एक्सियल प्लेन। अ फ्लैंक एंगल ऑफ अ सिमेट्रिकल थ्रेड इज कॉमनली टर्म एज हाफ एंगल ऑफ थ्रेड, है ना। कॉमनली मतलब पूरा एंगल नहीं का, हाफ एंगल हम ले सकते हैं, राइट। देखो ये है और ये है, तो ये जो जितना एंगल मिला है उसको हम फ्लैंक एंगल बोलते हैं, राइट। तो ये हाफ हो गया ना मतलब, राइट। ये हमारा पूरा क्या था, ये थ्रेड एंगल था, तो ये यहाँ से ये कर दिया तो ये हाफ हो गया, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। सो फ्लैंक एंगल में बताया है कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंडिविजुअल फ्लैंक एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ थ्रेड, राइट। तो मेजर इन एन एक्सियल प्लेन में। नाउ अ फ्लैंक एंगल ऑफ सिमेट्रिकल, अ फ्लैंक एंगल ऑफ अ सिमेट्रिकल थ्रेड इज कॉमनली टर्म एज हाफ एंगल ऑफ थ्रेड, राइट। अ फ्लैंक एंगल ऑफ अ सिमेट्रिकल थ्रेड इज कॉमनली टर्म एज हाफ एंगल ऑफ थ्रेड, वी कैन से दैट ना, राइट। देन लीड एंगल के बारे में बात करते हैं। तो लीड एंगल में बताया है कि इट इज द एंगल मेड बाय द हेलिक्स, इट इज द एंगल मेड बाय द हेलिक्स। हेलिक्स यानी मतलब देखो, ये मतलब हमारे पास ये मतलब बोल्ट जैसा है, राइट। तो मतलब हेलिक्स मतलब ये ऐसा थ्रेड रहेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली जो एंगल बन रहा है ना उसको हम फाई बोले, सॉरी अल्फा बोले, हेलिक्स एंगल अल्फा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई कि लीड में, लीड एंगल में, कि इट इज़ द एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ थ्रेड एट द पिच लाइन विथ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट। देन हेलिक्स एंगल के बारे में बताया है कि भाई इट इज़ द डिफाइंड, राइट, इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, हेलिक्स एंगल इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय हेलिक्स। जो हेलिक्स एंगल वो बन रहा है वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय हेलिक्स ऑफ द थ्रेड एट द पिच लाइन विद द एक्सिस। Right, with the axis, we can say that it is defined as the angle made by helix of the thread at the pitch line, so with the axis. Now helix angle is complementary of lead angle, है ना। helix angle के लिए हम complementary बोल सकते हैं, right? Complementary ऑफ लीड एंगल को, ये फिगर ही आपको मीन तो ये याद रहना चाहिए, है ना, कि ये दिखाया है मतलब थ्रेड डेप्थ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हमने मेजर डायमीटर बताया, एक्सटर्नल बाजू होगा तो उसको हमने मेजर डायमीटर बताया, देन बीच में ये पिच जो लाइन कंसिडर करे उसको हमने इफेक्टिव डायमीटर बताया, ये हमारा क्रैश हो गया, ये हमारा फ्लैंक हो गया, ये जो था एंगल तो वो हमने थ्रेड एंगल बताया, मतलब एग्जैक्टली हाफ जो रहेगा, है ना, थ्रेड एंगल का हाफ जो रहेगा उसको हमने फ्लैंक एंगल बताया, राइट। तो ये चीज़ मतलब इंटरनल में भी
होती है वो हमने डिस्कस किया, राइट। नाउ मल्टी स्टार स्टेट के बारे में बात करते हैं। मल्टी स्टार थ्रेड में बताया कि दिस इज प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग टू और मोर हेलिकल ग्रू, है ना। फॉर्मिंग मतलब टू और मोर ग्रू जब बन जाएंगे तो उसका हम बो सकते हैं, राइट, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जनरली इक्वली स्पेस्ड एंड सिमिलरली फॉर्म इन एन एक्सियल सेक्शन ऑन अ सिलेंडर दिस गिव्स अ क्विक ट्रांसवर्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग कोर स्ट्रेंथ, राइट। तो वो बन जाएगा सर। तो यहाँ पे हम जो स्टॉप करते हैं, ये स्पेसिफिक एंड फॉर्म स्क्रू थ्रेड है वो हम कल डिस्कस करेंगे, राइट।